तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोगों के पास अगर इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और जस्ट इसको यूज करके पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करके रिफरेंस फोटो को देखकर जहां पर भी मुझे लग रहा है और थोड़ा और डार्क वैल्यू से ऐड करना चाहिए वहां पर मैं इस 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ। और पेंसिल को हर टाइम शार्प रखना गाइस, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और रिफरेंस फोटो में आप लोग देखो राइट साइड में ज्यादा डार्क एरियाज है और लेफ्ट साइड में लाइट एरियाज है, और डार्क एरियाज में ऑब्वियसली 6B ग्रेड की पेंसिल को ज्यादा यूज करना है। और एकदम से जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप लोग शेडिंग भी कर सकते हैं। और बाकी आप लोग अभी अच्छी तरीके से देखो मैं कहां पर किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए।
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोग के पास अगर इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और जस्ट इसको यूज करके पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करके रिफरेंस फोटो को देखकर जहां पर भी मुझे लग रहा है और थोड़ा और डार्क वैल्यू से ऐड करना चाहिए वहां पर मैं इस 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ। और पेंसिल को हर टाइम शार्प रखना गाइस, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और रिफरेंस फोटो में आप लोग देखो राइट साइड में ज्यादा डार्क एरियाज है और लेफ्ट साइड में लाइट एरियाज है, और डार्क एरियाज में ऑब्वियसली 6B ग्रेड की पेंसिल को ज्यादा यूज करना है। और एकदम से जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर ज्यादा पेसर अप्लाई करके आप लोग शेडिंग भी कर सकते हो। और बाकी आप लोग अभी अच्छी तरीके से देखो मैं कहां पर किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए। तो बस गए सेकंड लेयर में भी शेडिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसको भी हल्के हाथ से ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर लेना है। और लास्ट में अभी टोमोमोनो जीरो डोजर का यूज करके हाइलाइट्स को देना है। बट अगर आप लोग के पास टोमोमोनो जीरो डोजर नहीं है तो आप लोग इसको घर में भी बना सकते हो। किस तरीके से बनाना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना।
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोगों के पास अगर तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोगों के पास अगर इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और जस्ट इसको यूज करके पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करके रिफरेंस फोटो को देखकर जहां पर भी मुझे लग रहा है और थोड़ा और डार्क वैल्यू से ऐड करना चाहिए वहां पर मैं इस 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ। और पेंसिल को हर टाइम शार्प रखना गाइस, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और रिफरेंस फोटो में आप लोग देखो राइट साइड में ज्यादा डार्क एरियाज है और लेफ्ट साइड में लाइट एरियाज है, और डार्क एरियाज में ऑब्वियसली 6B ग्रेड की पेंसिल को ज्यादा यूज करना है। और एकदम से जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर ज्यादा पेसर अप्लाई करके आप लोग शेडिंग भी कर सकते हो। और बाकी आप लोग अभी अच्छी तरीके से देखो मैं कहां पर किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए।
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोगों के पास अगर इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और जस्ट इसको यूज करके पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करके डिफरेंस फोटो को देखकर जहां पर भी मुझे लग रहा है और थोड़ा और डार्क वैल्यू से ऐड करना चाहिए वहां पर मैं इस 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ। और पेंसिल को हर टाइम शार्प रखना गाइस, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और डिफरेंस फोटो में आप लोग देखो राइट साइड में ज्यादा डार्क एरियाज है और लेफ्ट साइड में लाइट एरियाज है, और डार्क एरियाज में ऑब्वियसली 6B ग्रेड की पेंसिल को ज्यादा यूज करना है। और एकदम से जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर ज्यादा पेसर अप्लाई करके आप लोग सेटिंग भी कर सकते हो। और बाकी आप लोग अभी अच्छी तरीके से देखो मैं कहां पर किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए।
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फेस के ऊपर एच बी ग्रेड की पेंसिल यूज करके बेस लेयर में शेडिंग कर लेना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि एक्रेलिक पेंटिंग में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। बट आप लोगों के पास अगर इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप लोग मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और जस्ट इसको यूज करके पूरे फेस के ऊपर हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर 6B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करके रिफरेंस फोटो को देखकर जहां पर भी मुझे लग रहा है और थोड़ा और डार्क वैल्यू से ऐड करना चाहिए वहां पर मैं इस 6B ग्रेड की पेंसिल यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ। और पेंसिल को हर टाइम शार्प रखना गाइस, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। और रिफरेंस फोटो में आप लोग देखो राइट साइड में ज्यादा डार्क एरियाज है और लेफ्ट साइड में लाइट एरियाज है, और डार्क एरियाज में ऑब्वियसली 6B ग्रेड की पेंसिल को ज्यादा यूज करना है। और एकदम से जहां पर भी डार्क एरियाज है वहां पर ज्यादा पेसर अप्लाई करके आप लोग शेडिंग भी कर सकते हो। और बाकी आप लोग अभी अच्छी तरीके से देखो मैं कहां पर किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा और स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो आप लोग उसके बाद टिश्यू पेपर को यूज करके ब्लेंडिंग कर लेना, बट ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके मत करना, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को ब्लेंडिंग करना है।